फिल्म साढ़े वाले जिमें सुखदीप भाई ने दसिया कि मालवे च बड़ा मशहूर शब्द आ साढ़े वाले अपने तो उस रिश्तिया की कहानी है जतेंद्र मौर वालों डायरैक्ट की गई। ये फिल्म दो तीन साल पहला बनी सी पर कुछ कारण करके डिले होंगी गई। जो भी दीप नूं मिलना सी इस फिल्म बारे जिक्र होना ते दीप हमेशा बड़ा खुश होके क्योंकि ड्रीम प्रोजेक्ट सी उस वक्त कहना होता सी बस जल्दी आप रिलीज करनी है जल्दी रिलीज करनी है। बहुत कुछ कहानियां ने अपनी एक किस्मत होंगी जिवें कहते होंगे कि कदों रिलीज होनी है किवें होनी है ते बट असी कदे सुपने च नहीं सोचा सी कि फिल्म असी उहदी एब्सेंस तो बिना रिलीज करांगे। उहदे नाल हमेशा गल होंदी सी भाई साडे वाले की बनिया की हो रहा कि हाँ बस हो गया बस होने वाला बस जल्दी आ जाना बट ये कदे नहीं सोचा सी। बहुत प्यार नाल फिल्म बनाई आ दीप दा ड्रीम प्रोजेक्ट सीगा साढ़े सारिया क्योंकि बड़ी जिवें मां की पुत्र साहब ने कहा कि इमोशनली इस फिल्म जुड़े हुए सी इहदी डेट बहुत सी। सो आखिरकार ये फिल्म 29 अप्रैल में आ रही है। सो तुसी भी साडी सपोर्ट करनी आ क्योंकि थोड़ी सपोर्ट तो बिना ये चीज़ लोगों तक पहुँचाउणी बहुत मुश्किल होंदी आ। बट ये शोर है कि फिल्म थोनू सोचने लिए मजबूर करेगी इमोशनल भी करेगी हसाऊ भी रवाऊ भी रिश्तिया की बात भी पाऊगी। नहीं जी ये उस नाल दा दूर दुख तक कोई नाता नहीं वो एक अलग विशा साडी फिल्म एक पिंड की फिल्म है उतों की दो परिवार की कहानी है तो दो परिवार की कहानी है तो उतों एक बिकर दा दा करैक्टर जो मैं प्ले कर रहा मनजीत ना का करैक्टर जोड़े भाई दीप प्ले कर रहे हैं उतों की कहानी है तो उस रिश्तिया के ताने बाने तो उस आले दुआले फिल्म घूमती है। यदा किसी कबड्डी के नाल जो ये पिछे कुछ वारदात होंगे जो नैगेटिव इफेक्ट है असं वो दूर दूर तक नहीं है। ये हो सकता भी तुम कबड्डी वेख के सोचो कि गड्डी उत्तर तारा जोड़ती है पर यह कह देना कि एक पिंड की सीमित कहानी है तो इस तरह का कुछ भी नहीं कि जो आप इस दूजे ट्रैक पर लैके जा सकते। टाइम के नाल हर चीज़ बदल जाती है विचों एक तो कोशिशा हुई हैं फिर वो पुराने जमाने वाली जिड़ियाँ फिल्मों बनाने पर लोग अगे बढ़ चुके हैं। हुण साडे को जिहड़ा छोटा जिहा मोबाइल है इहदे विच दुनिया भर का सिनेमा सानू वेखण नू मिलदा और उसे दे स्टैंडर्ड दीआं सानू चीज़ां लोकां नू प्रोवाइड करनियां पैणगियां अदरवाइज वो दूसरा चैनल चेंज कर जाएंगे। हुण इंटरनेशनल सिनेमे दे नाल साडा कंपीटीशन है और साडियां कुछ मजबूरियां साढ़े को बजट है नहीं बहुत छोटा बजट है साडी टैरिटरी छोटी है पर हौली हौली उहदा विस्तार हो रहा और मैनू लगता कि एक अजीब जिहे दौर दे विच्चों निकल रहा साडा पंजाबी सिनेमा जिहड़ा मैनू पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी दुनिया वर्ल्ड सिनेमे दे हाण दा हो जाएगा। जी जी नहीं नहीं हुण दी कहानी आए बिल्कुल बेशक आ तीन साल निकल गया पर अज दी कहानी आए बिल्कुल अज दी परिवारां दी कहानी आ अज दे लोकां दी कहानी आ अज दे रिश्तियां दी कहानी आए। जी जी अजे बहुत ही थोड़े दिन हो मिनिस्ट्री बने ज्यादा आसानी थोड़ा टाइम मैं लगता उन्होंने देना चाहिए सानू इन्नी काली नहीं कर सकते क्योंकि काम बहुत ज्यादा और टाइम अजे थोड़ा होया। देखो दीप का यह प्रोजेक्ट है एक साढ़े कोले होर मूवी शूट पई है उहदा भी साडा फुल मूवी नहीं है उस थोड़ा पैच वर्क इज पेंडिंग वह भी साड़ी बई सिमरन सागा नाल ही उहदा भी ऑलरेडी एग्रीमेंट तो सारा हो चुका है उहदा। हाँ जी उहदा भी असीं अगे प्लैन पहला असीं पैच वर्क जिहड़ा कंप्लीट करके फिर फरदर असीं उहदी भी सारा प्लैनिंग करांगे जी। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਫੋਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਈਅਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੈਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੇਟਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਡਿਊ ਟੂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁਣ 1.5 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਗਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ
सागा म्यूजिक तो यह मूवी अज नहीं जी वे बैक जिम्मे आप कह लिए 2019 का ही ये हो चुका सारा डिसाइड भी इट विल बी रिलीज्ड बाय सागा तो ये आप कह लिए भी लॉकडाउन के पीरियड करके थोड़ा डिले होया जी वो इन द मीन टाइम जोरा रिलीज हो गई सी अर्ली 20 च बड़ा प्यार साढ़े को आते असी भी उन्होंने मिलते रेगूलर से असी अगे भी होर स्टोरीज से काम कर रहे थे बट अनफॉर्चुनेटली मैच्योर नहीं हो पाए आइडियाज से ऑफिशियली दिस इज गोइंग टू बिकम द लास्ट ऑफिशियल प्रोजेक्ट ठीक है ना तो इस तरह है एक फिल्म जिदा मनदीप जी ने जिक्र किया है बट वो पूरी नहीं है हले ठीक है सो ऑफिशियली जी थिएट्रिकली रिलीज हो रही है फिल्म दिस इज द लास्ट फिल्म पंजाब की उस मिट्टी की गल करती है जिहड़ा बठिंडे मालवे के रीजन च जिहड़े जीवन बतीत कर रहे हैं। ये कबड्डी के पाड़े तो शुरू होंदी है तो जिंदगी दी औकड़ां मुसीबतां तों आ के मुकदी है। किवें नौजवान जो कबड्डी खेडते हैं तो कबड्डी नूं अपना सब कुछ मानते हैं तो जिंदगी प्रति बहुत सजीला ने तो किवें किस हालातों जाके किस मुसीबत जाके वो जिंदगी एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उस निकलते हैं ज नहीं निकलते। ये फिल्म इस दे आले दुआले साडा सारिया का जोड़े बैठे सा पिछोकड़ पेंडू है तो सानू शुरू तो ही चाहते थे कि असी इस तरह की फिल्म बनाईए जो कि मिट्टी ना जुड़ी हो साडा भाई दीप का मनदीप का सब का यह सुपना से कि असी एक रियल सिनेमा लेके जो कि वक्री गल करे। ये 2-3 साल पहला फिल्म बनी सी उदों दौर कोई होर सी अज कुछ दौर होर है। जो असी शुरू की थी फिल्म तो सानू कहिंदे सी कि फिल्म थोड़ी वक्री फिल्म शायद नया चले जा चले पर साडा शुरू तो यही सोच कि असी वक्री फिल्म करनी है तो सानू ये तो नहीं कहते भी एक अगे की होगा पर साडे असं यह कह सकते हैं कि असं अपने दिल नाल जान नाल जिनी साड़ी वाह लगती सी फिल्म बनाई है। सो मनदीप भाई तो सागा स्टूडियोज मनदीप सिंह मन्ना सो इन्हों वालों प्रोड्यूस की गई है फिल्म इन्हों का सानू बहुत सपोर्ट रहा जतेंद्र मोहर वालों डायरैक्ट की गई फिल्म है। ट्रेलर तुम वेख ही लिया तो बाकी तुम जज बेहतर कर सकते हो कि असं अपने इस यतन च किन्ने के कामयाब हुए हैं ये तुम सू दसना तो सपोर्ट करनी है। सो यही कहता हुआ बाई मनदीप का नाम दो शब्द साझी कर सत श्रीकाल जी सारिआं नूं इत्थे आए मीडिया का जिहड़ी इह मूवी है जी इह जतेंद्र मोहर साहब की डायरैक्ट की हुई है। एक इस आपां पेंडू जिवें आपां कह लईए कबड्डी एक अपनी पेंडू खेड आ उहनूं दर्शाया गया उस लैवल ते जाके ही जिवें एक पिंडां दा माहौल हुंदा उह सारा क्रिएट करके इहनूं पेंडू माहौल च ही बनाई गई आ जो जिवें कि पंजाबी आप कह लिए पिंड सारे जो औकड़ा आदियाँ उस तुम इस चीज देखोगे भी किमें फैमिलीबाजी वाली सारी गल हों कि मुंडिया खेडद दोनों औकड़ा आदियाँ पिंड जो जो जिस हिसाब का माहौल माहौल सिरज्या जाता वह सारा कुछ इस फिल्म च दिखाया गया है। बाकी बहुत सोहनी उन्होंने मोहर साहब ने जतेंद्र मोहर जी ने डायरैक्ट की आ असी अपनी पूरी मेहनत नाल यह बनाई है। बाई का भी पूरा एक तरह नाल यह जोड़े तो बाद ड्रीम प्रोजैक्ट ही सीगा कुछ कारण करके भी यह रिलीज़ जिवें बाई सुखदीप ने दसिया भी उदों यह थोड़ी जी लेट हो गई है तो हुण आपां कह लिए भी सानू अनफॉर्चुनेटली जां फॉर्चुनेटली भी बाई अज नहीं है फिर यह सानू उहदी एबसेंस च रिलीज़ करनी पै रही है। सिमन भाजी साढ़े नाल आ सागा वाले इन्होंने बहुत वधिया
अच्छे तरीके साढ़े नाल खड़े है तो इस प्रजेंट कर रहे हैं। असी एक यहोजे फील्ड के जिथे नित नवें कई किस्म के प्रोजेक्ट करते रहने हैं, उस सफर के दौरान कुछ फिल्म यहोजी होंगे जिहड़ियां तुहाडे दिल के बहुत करीब हो जांदियां। जो शूट चल रहा सी सानू कदी भी यह महसूस नहीं होया कि असी एक फिल्म का शूट कर रहे हैं, बल्कि इस तरह लग रहा सी जिवें एक माहौल जी रहे हैं। वो जिहड़ा एक महीना सीगा फिल्म के शूट का, एग्जैक्टली इस तरह लग रहा सी कि असी उस पिंड दे वासी हो गए हैं और जो कुछ भी हो रहा वो साढ़े खुद नाल वापर रहा है। जितेंद्र मोर जी थोड़ा जहा अलग तरह का सबजैक्ट लेके आते हैं। साड़ी कबड्डी जिहड़ी है एक प्रोमिनेंट गेम है, उन्हूं बेस रखदे होया ये फिल्म बनाई है, इहदा सारा ताना बाणा। ज़्यादा कुछ रिवील तो नहीं करना, फिर कुछ गल्लां फिर भी कहनियां पैंदियां कि दो परिवारां दी कहानी है, उन्हां दी दुश्मनी है, बच्चों की दोस्ती है, और वो जिहड़ी दुश्मनी है उहदे विच भी एक किस्म का पर्दा वा, एक शालीनता वा, उस हद न निकलते नहीं वो, और उस रिश्ते कायम रखते हैं ताकि पिंड का जोड़ा माहौल है वो बिगड़े ना। उस कुछ लोग यहोजे भी आ जोड़ा उन्होंने माहौल में बिगाड़ना चाहते हैं, पर फिर भी हर चीज़ जी अंडर कंट्रोल रही है। दीप के जाने बाद असं इस चीज़ को भुल नहीं सकते कि एक तरह की श्रद्धांजलि वागू हो गई है फिल्म, पर मेरी बेनती है कि इस फिल्म नूं फिल्म के तौर पर पहला वेख्या जाए। मेरे ख्याल च सही श्रद्धांजलि यह होएगी, क्योंकि जिस रूह के नाल जिस सोच के नाल फिल्म बनाई गई सी उन्हूं आपां सिर्फ इमोशनल एंगल तो ना वेखीए, बल्कि जिहड़ी इह फिल्म अपने आप दे विच एक कीर्तिमान आ आपां उहनूं उहदे हिसाब नाल वेखीए। थैंक यू। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं। मैं थोड़ा सारे का बहुत धन्यवादी हाँ तुम अपना टाइम कट के इतने पहुँचे। तो वैसे सुमित भाजी ने इतने आना सी पर किसी कारण नहीं आ पाए, तो मैं उन्होंने तरफों साला स्टूडियोज़ को रिप्रजेंट कर रहा। साढ़े लिए बड़ा इमोशनल मूवमेंट है, बहुत इमोशनल मूवमेंट है कि अज साढ़े विचकार दीप ब्रदर नहीं है, तो उन्होंने एबसेंस जिते की है उन्हें फिल्म रिलीज़ कर जा रहे हैं। तो एज अ स्टूडियो सानू इस गल का प्राउड भी है, माण भी है कि सानू यह मौका मिलिया फिल्म नाल एसोसीएट होने का, जुड़न का, तो नाले हुण इहनूं वर्ल्ड वाइड रिलीज़ करन दा। इस फिल्म आप 29 अप्रैल 2022 वर्ल्ड वाइड रिलीज़ कर जा रहे हैं। तो मेरी सारे तो यही रिक्वेस्ट है मीडिया तो कि दीप ब्रदर ने साडे लई बहुत कुछ किया है, एज अ इंडस्ट्री वैटरन भी, तो एज अ सोशलिस्ट भी, तो नाउ इट्स आर टाइम, ना हूँ साड़ी वारी है फिल्म सपोर्ट करें। थैंक यू।